वंदे काशी विश्वनाथं छिन्नमस्ताँ देवतालीमयी नौमी जगन्नाथम पुनः पुनः शिक्षार्थियों राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानम एन के स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार्य वेद विभाग श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी उड़ीसा से आपके मध्य उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम पाठ्यक्रम के अंतर्गत चौबीसवें पाठ जो रुद्राध्याय के नाम से है उसके अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ इस पाठ में प्रथम भाग का हम अध्ययन करेंगे यहा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित रुद्राध्याय है इसमें कुल सोलह मंत्रों का संकलन है शुक्ल यजुर्वेद संहिताया षोड़ाध्याय रुद्राध्यायी नामना प्रसिद्ध पंचदशे अध्याये अग्निचयनम वर्णय्वा षोड़े शतरुद्रीय होम मंत्रा प्रोक्ता एशु यु मंत्रु रुद्राध्याद्रदेता वैशिष्ट प्रस्तूयते रुद्र हा काचन देवता परंतु स तस्य सर्वस्वरूपता प्रकटिता वर्तते है शुक्लुर्ेद संहिता केोलवें अध्याय में रुद्राध्यायी नाम से प्रतिपादन किया गया है वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद संहिता में कुल 40 अध्याय हैं जिसमें सोलहवाँ अध्याय रुद्राध्याय के नाम से प्रसिद्ध है पंद्रहवें अध्याय में अग्निचयन याग का वर्णन किया गया है और पुनः उसके पश्चात सोलहवें अध्याय में शतरुद्रीय होम याग से संबंधित मंत्रों का संकलन प्राप्त होता है इन मंत्रों में जो रुद्राध्याय के मंत्र हैं ऐसे मंत्रों में रुद्र देवता के स्वरूप उनकी विशिष्टताओं का सम्यक वर्णन प्राप्त होता है यद्यपि रुद्र कोई देवता विशेष हैं तथापि तो वह भगवत स्वरूप, साक्षात श्री भगवान और सर्वव्यापक प्रजापति परमेश्वर के रूप में हैं रुद्र भी रुद्र की वर्णना भी उसकी सर्वरूपता, सर्वस्वरूपता प्रकटित करती है अर्थात रुद्र को सर्वस्वरूपों में व्याप्त होने वाला वर्णन किया गया है यह रुद्राध्यायी का प्रथम मंत्र है यह भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है अतएव इसका पाठ भी वेदों के भिन्न स्वर से किया जाता है इसका पाठ इस प्रकार है ओम मा नमस्ते रुद्रम उतोत नमः बाहुभिया मुतते नमः यह प्रथम मंत्र हुआ इसका पाठ इस प्रकार है मानियावे बाहू इति ऊत ते नमाहा यह पाठ हुआ इस मंत्र के सरलार्थ को विचार करते हैं यह रुद्राध्याय का प्रथम मंत्र है इसमें कहा गया अत रुद्रोपासका रुद्रम उपासते हे रुद्र ताम क्रोधा नम तहम प्रणमाभ्यम पुनः ते हस्ताभ्या इसमें रुद्र की उपासना करने वाले ऋषिगण रुद्र की प्रार्थना करते हुए कहते हैं हे रुद्र आपके क्रोध के लिए मेरा प्रणाम है मैं आपके क्रोधस्वरूप को प्रणाम करता हूँ और आपके दोनों हाथों से मैं आपके सभी स्वरूपों को प्रणाम करता हूँ ऐसा ऐसी प्रार्थना ऋषि के द्वारा इस प्रथम मंत्र में किया जाता है पुनः अग्रिम मंत्र है जाते रुद्र शिवा तनू घोरा पाप काशिनी तया ना शांता मया गिरी शांता भी चाकशी यह द्वितीय मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है जाते रुद्र शिवा तनु अघोरा अपापकाशिनी काशिनी तिअपाप काशिनी तया न तन्वा शमे शमया गिरीशंतेति गिरीशंत अभी चाकशी यह इस मंत्र का हुआ। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है अयम रुद्राध्याय से तब मंत्र दूसरा मंत्र है रुद्राध्याय का अत्र अथना अस्त हे रुद्र या मंगलमय भीतिशून्यम पुण्यस्व प्रकाशक युद्र शरीरमस्ती तेन परितेन शरीरण हे गिरीश अवलोकयतु सुखय हे रुद्र आपका यह जो मंगलमय भयशून्य अभय वाला निर्भय वाला पुण्य स्वरूप के प्रकाशक रूपी यह जो आपका दिव्य शरीर है उस दिव्य शरीर से जो समस्त सुखों से परिपूरित शरीर है ऐसे समस्त सुखों से परिपूरित शरीर वाले हे गिरिजाधिपति हे गिरीश आप हम सभी को सुख प्रदान करने के लिए हम सभी के ऊपर कृपा करें अपनी कृपा रूपी दृष्टिपात करें ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में ऋषि के द्वारा किया जाता है अग्रिम मंत्र है जा मे खोंगिरी शांता हस्ते भर्ख्यस्तावे शिवांगीर तरकुरु माही मैं पुनः एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ जामि खोंगिरि शांता हस्ते विभर्क्यस्तावे शिवांगिरितरातां कुरु माहिगुं सीहि पुरुखां जगता यह मूल समिता पाठ हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार है जाम्मा इखुम्मा गिरि शांते ती शांता हस्ते विभर्क्य अस्तावे शिवांमा गिरतरेति गिरी तरू मिगोसी जगत यह इस मंत्र का पद पाठ हुआ अब अग्रिम में हम लोग इस मंत्र के भावार्थ का विचार करेंगे तृतीय मंत्र यहाद्राध्यायी का संपन्न हुआ यजमान पुनः प्रार्थयति यत हे रुद्र तम शत्रुन प्रति यम बाणम धारयति हे पर्वतरक्षक तम बाणम कल्याण विधे पुरुषाण तथा जगत हिंसा कुरु हे रुद्र हे गिरीश हे परब्रह्म हे सर्वव्यापक भगवान रुद्र शंकर आप जो शत्रुओं के संहार के लिए शत्रुओं के विनाश के लिए अपने दोनों हाथों के द्वारा बाण धारण करते हैं दोनों हाथों से आप बाण धारण करते हैं ऐसा हे पर्वतों के रक्षक हे सर्वव्यापक भगवान परमेश्वर स्वरूप रुद्र आप उस बाण को कल्याण रूप में धारण करें समस्त जगत के कल्याण करने के लिए उस बाण को आप धारण करें और पुरुषों का और समस्त जीव जगत का हिंसा आपके इस बाण के द्वारा न होवे ऐसी दिव्य कल्याण रूपी बाण को आप सुख प्रदान करने के लिए धारण करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में की गई है अग्रिम मंत्र है शिवे नव्व सातवा गिरीशाचा वसी जथा नहाद्घू सुमाना आसाता मैं पुनर एक बार इस मंत्र का पाठ आपके सौविध्य के लिए करता हूँ शिवे नविनासत यह मूल संहिता पाठ किया गया इसके पश्चात इस मंत्र का पद पाठ प्राप्त होता है वह ऐसे शिवन वचसावा गिरीशेति गिरीश अच्छ वादासी जर्वाम इत जगत अयक्षा म इति सुमना असत पदपाठ पूर्ण हुआ इस मंत्र के सरलार्थ को हम जानते हैं अयम अध्यायस्य अस्य चतुर्थः तावन मंत्रः यह इस अध्याय का चतुर्थ मंत्र था अत्र प्रार्थना अस्ति हे रुद्र हे गिरीश तव शरण प्राप्त मंगलसूचक वाक्य वाथयाम येन अस्मा जगता सर्वे मानवा स्वास्थ्यवंत मनस्काश्च निश्चित भवेयुः ऐसी दिव्य प्रार्थना ऋषि के द्वारा इस मंत्र में की गई है मंत्र में ऋषि कहता है हे रुद्र हे hey, क्रोध के नाशक हे hey, सर्वविध कल्याणकारक हे hey, गिरीश हे hey, परमेश्वर आपके शरण में आने के लिए आपका शरण प्राप्त करने के लिए मैं मंगल सूचक वाक्यों के द्वारा दिव्य वेद वाक्यों के द्वारा मंगलमयी गीरवाण वाणी के द्वारा हम आपकी स्तुति रूप प्रार्थना करते हैं जिसके कारण जिससे हम सभी का संपूर्ण जगत का और कल्याण होवे और जगत के वो हम लोग सभी मानव स्वास्थ्यवान होवें सुस्वास्थ्यवान होवें और शोभन मन वाले सुंदर मन वाले होवें अतएव हे गिरीश आप हम हमारी दिव्य प्रार्थना से मंगलमयी प्रार्थना से आप प्रसन्न होवें और अपनी कृपा से हमें अभिषिक्त करें हमें कोई असुविधा न हो हमारा स्वास्थ्य सुंदर रहे हम अनेक वर्षों तक सुस्वस्थ रहकर होते आपकी प्रार्थना करते रहें हमारे मन सम्यक विचार वाले होवें हमारे मन में किसी कुविचार का प्रवेश न होवे इस प्रकार की प्रार्थना इस मंत्र में ऋषियों के द्वारा की गई है अग्रिम मंत्र है अधियावो वो वक्ता प्रथमो दैवियो भीखा अहिश्च सर्वान् जं सर्वाश्च सर्वाच जाान्यो धराची परासुव मैं पुनर एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ अधियवोचदिवक्ता प्रथमो दिखक अहिस्वान् जम भयन सर्वाश्च धान्यो धराची ही परासुवा यह मूल संहिता का पाठ किया गया इसके पश्चात पद पाठ किया जाएगा वह इस प्रकार किया जाता है आधि आवोचाता आधि वक्ते आधि वक्ता प्रथम दैव्या भिखा का अहिन्ना च सर्वान्ना जम्भयान्ना सर्वाहा च जातु इति जातु धान्याची परासुआ यह पद पाठ पूर्ण हुआ इस मंत्र के सरलार्थ का विचार करते हैं यह इस अध्याय के पंचम क्रमांक का मंत्र है इसका अर्थ इस प्रकार है अधिवक्ता प्रथम मुख्य पूज्यातिशयात स्वर्गस्थ वैद्य अस्मभ्यम वद हे रुद्र सर्वान् सरपान विनाशय अधोगिनी राक्षसी दूरम निक्षेपय इस मंत्र में ऋषि पुनः उस भगवान रुद्र से प्रार्थना करता है जो भगवान रुद्र प्रथम हैं जो सभी वक्ताओं में मुख्य हैं वरेण्य हैं जो जिनकी पूजा सर्वतोधिक की जाती है ऐसे भगवान रुद्र और जो स्वर्ग के वैद्य के समान हैं स्वर्ग में रहने वाले वैद्य स्वरूप हैं ऐसे भगवान रुद्र हम सभी के लिए अपने विशिष्ट आशीर्वाद रूपी वचनों को विशेष रूप से हम सब के लिए कहें हे रुद्र आप सभी सर्प प्रजातियों को सर्प का तात्पर्य यहाँ दुष्ट से लिया गया है आप सभी दुर्दंश प्राणियों को संहार करें और उनको संहार करके अधोगामिनी ही राक्षसी ही जो हमारे सभी के को नीचे गिराने वाली हम सभी को पतन मार्ग में करने वाली जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों को हम सभी से दूर करें हम सभी को पुण्य पथ पर पुण्य मार्ग पर अग्रेसर करें ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा ऋषि भगवान रुद्र के लिए करता है इस पाठ में इतना ही पुनः आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद